दोस्तों, आज हम दुनिया की सबसे बड़ी डिबेट के बारे में चर्चा करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि आखिर असल में कौन सही है। मैं जिस डिबेट की बात कर रहा हूं वो है वेजिटेरियन फूड वर्सेस नॉन वेजिटेरियन फूड। और मैं यहां पे कोई बकवास नहीं करूंगा, बस साइंटिफिक फैक्ट्स के आधार पर आपको बताऊंगा कि वेज खाना चाहिए या फिर नॉन वेज। क्योंकि जैसे गाय के लिए घास खाना उसका नेचुरल फूड है और शेर के लिए मांस खाना उसका नेचुरल फूड है, ठीक उसी तरह हमें भी पता होना चाहिए कि आखिर हम ह्यूमंस का नेचुरल फूड क्या है, ताकि हम अपनी बेस्ट लाइफ जी सकें। आइए आज इस डिबेट को खत्म करते हैं और जानते हैं कि वेज बेस्ट है या नॉन वेज। तो मेरा नाम है एजे, आप देख रहे हैं एजे टॉक्स। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि आप कोई भी फल आसानी से खा लेते हैं, मगर वही बात करें कच्चा मीट खाने की, तो उसे खाना तो दूर बल्कि मुंह में रख पाना भी आपके लिए काफी बड़ा चैलेंज होगा। अब ऐसा क्यों होता है भला? क्या वेज खाना ही ह्यूमंस का नेचुरल फूड है? क्या नॉन वेज ह्यूमंस जस्ट टेस्ट के लिए खाते हैं? वेल, इसका आंसर जानने के लिए हमें जाना होगा 66 मिलियन साल पहले के समय में, जब ह्यूमंस और मंकीज के कॉमन एंसेस्टर्स ने जन्म लिया था। उस दौरान क्योंकि पृथ्वी डायनासोर के एक्सटिंक्शन से रिकवर कर चुकी थी, तो हर जगह घने पेड़ पौधे हुआ करते थे। और उसी समय एक शाकाहारी जीव विकसित हुआ जिसका नाम था पर्गटोरियस, और इसी से आगे चलकर मंकीज और ह्यूमंस ने जन्म लिया। ये जानवर क्योंकि मेजरली फल खाया करता था, इसीलिए हम फल आसानी से खा लेते हैं कच्ची मीट के कंपैरिजन में। यानी कि इस बात में कोई भी तर्क वितर्क नहीं होना चाहिए कि हमारी शुरुआती स्पीशीज वेजिटेरियन थी। लेकिन क्या इससे यह साबित होता है कि हमारा नेचुरल फूड वेज है? वेल, बिल्कुल नहीं। आइए समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। वेल, जो पर्गटोरियस के डिसेंडेंट्स थे, उन्होंने 40 मिलियन सालों बाद फलों के अलावा नट्स, रूट्स और ट्री बाग जैसी चीजों को भी खाना शुरू कर दिया था, जिसका प्रूफ हमें अर्ली होमिनिड्स में देखने को मिलता है, जिनसे बाद में सभी होमो सेपियंस या कहीं हम ह्यूमंस इवॉल्व हुए। जब हमारे पूर्वजों ने सीड्स और नट्स खाना शुरू किया, तो उसी ने उन्हें नॉन वेजिटेरियन बनाने की शुरुआत की। यानी कि अब उनकी बॉडी ज्यादा प्रोटीन्स को पचाने के लिए तैयार होने लगी थी, लेकिन अभी भी वो मजबूर नहीं हुए थे मांस खाने के लिए। फिर 2.5 मिलियन साल पहले अर्थ के क्लाइमेट में कुछ ऐसे बदलाव आए कि आसपास की वेजिटेशन सूख गई, हरे भरे जंगल खुले ग्रासलैंड्स बन गए, और यही था हमारे एंसेस्टर्स का कार्निवोर बनने का ट्रिगर। यानी कि हमारे जो एंसेस्टर्स अपनी वेज डाइट पे कायम रहे, वो एक समय के बाद विलुप्त हो गए। लेकिन जिन्होंने हालातों को देखकर मरे हुए जानवरों को खाना शुरू किया, वो इवेंचुअली सरवाइव कर गए और हम ह्यूमंस के डायरेक्ट एंसेस्टर्स बने। सबसे कमाल की बात तो ये है कि प्रोटीन खाने की वजह से ही हमारे एंसेस्टर्स का दिमाग इवॉल्व हुआ और होमो सेपियंस का जन्म हुआ। यानी कि मीट खाने की वजह से ही हम ह्यूमंस आज इतने उन्नत हैं। अब आप कहोगे कि फिर हम आखिर और मांसाहारी जानवरों की तरह क्यों नहीं बने? वेल, इसका रीजन है आग। क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स ने आग को खोज लिया था, तो कच्चा मांस खाने की बजाय वो उसे पकाकर खाने लगे, और शायद यही कारण है कि हम कच्चा मांस नहीं खा पाते हैं। अब हमने ये तो जान लिया है कि इंसानों ने मीट खाना कब से और क्यों शुरू किया था, मगर अब ये जानते हैं कि आखिर वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन डाइट में से बेस्ट डाइट कौन सी है और हमारा नेचुरल फूड क्या है। वेल, अब क्योंकि ह्यूमंस के डाइट का बैकग्राउंड हमें पता चल चुका है, तो हम इसका जवाब आसानी से दे सकते हैं कि जो हमारी बॉडी है वो इस तरीके से इवॉल्व हुई है कि हम वेज और नॉन वेज दोनों को आसानी से डाइजेस्ट कर सकते हैं, और इसीलिए दोनों तरह की डाइट हमारे लिए नेचुरल डाइट ही है। और रही बात दोनों डाइट्स में से बेस्ट डाइट कौन सी है, तो वो डिपेंड करती है चार चीजों पे। यानी कि कौन सा खाना खाने से हमारी ग्रोथ और स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, कौन सा खाना खाने से हमारी एंड्योरेंस और परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है, कौन सा खाना खाने से हमारे दिमागी फंक्शंस सही से काम करते हैं, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कौन सा खाना हमें डिजीजेस से बचाता है और लंबी उम्र देता है। तो अब सबसे पहले जानते हैं कि कौन सी डाइट हमारी ओवरऑल ग्रोथ और स्ट्रेंथ के लिए इम्पोर्टेंट है। वेल, कई सारे रिसर्चेस में ये सामने आया है कि अगर आप नॉन वेजिटेरियन डाइट कंज्यूम करते हो, तो आपकी मसल ग्रोथ और स्ट्रेंथ सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाती है,
और मीट का प्रोटीन भी प्लांट्स के प्रोटीन से सुपीरियर होता है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि प्लांट बेस्ड डाइट से मसल ग्रोथ नहीं हो सकती, बल्कि अगर वेल प्लेन डाइट ली जाए तो मीट जितने रिजल्ट्स आप अचीव कर सकते हैं, इसीलिए क्राइटेरिया डिसाइडिंग फैक्टर नहीं बन सकता। नेक्स्ट पॉइंट है एंड्योरेंस एंड परफॉर्मेंस। तो वेल जो लोग शाकाहारी खाना खाते हैं उनकी एंड्योरेंस एंड परफॉर्मेंस मांसाहारी लोगों के मुकाबले बेटर होती है, जिसका सिंपल रीजन है कार्बोहाइड्रेट्स। क्योंकि प्लांट बेस्ड डाइट में ज्यादा कार्ब्स होते हैं तो आपकी बॉडी जल्द से जल्द उन कार्ब्स को ग्लूकोज में तोड़कर एनर्जी के रूप में यूज कर लेती है, मगर मीट्स में क्योंकि ज्यादा प्रोटीन्स एंड फैट्स होते हैं तो मीट डाइट वाले लोगों की एंड्योरेंस एंड परफॉर्मेंस कंपैरेटिवली कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कॉग्निटिव फंक्शंस। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि हमारा दिमाग तेज हुआ ही मीट खाने की वजह से था, तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि दिमाग की बीमारियों से बचने के लिए और दिमाग को तेज रखने के लिए मांसाहारी भोजन इम्पोर्टेंट है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्लांट बेस्ड डाइट में आपको विटामिन B12 और क्रिएटिन जैसे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं, जो कि दिमाग के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं। इसलिए नॉनवेज इस पॉइंट को जीत जाता है। अब क्योंकि दोनों के पास बराबर पॉइंट्स हो चुके हैं, तो अब डिसाइडिंग फैक्टर की बात करते हैं, यानी कि डिजीजेस एंड लॉन्जिविटी की। दोस्तों देखा गया है कि रेड मीट खाने वाले लोग काफी ज्यादा हार्ट डिजीजेस का शिकार होते हैं, अगर कंपेयर किया जाए शाकाहारी लोगों से। मगर इसका मतलब ये नहीं कि वेजिटेरियन लोगों को हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, क्योंकि जो लोग नॉनवेज के तौर पे सिर्फ फिश खाते हैं उनमें शाकाहारी लोगों के बजाय और कम हार्ट रिलेटेड इश्यूज देखने को मिले हैं। तो अब सवाल ये आता है कि आखिर ये पॉइंट जाता किसको है, क्या वेज अच्छा है या नॉनवेज? वेल, अब क्योंकि आप सभी पॉइंट समझ गए हो तो आपके लिए इसका आंसर ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इसका आंसर सिर्फ इतना सा है कि ना तो सिर्फ वेज डाइट लेना शरीर के लिए अच्छा है और ना ही सिर्फ नॉन वेज डाइट लेना, क्योंकि कई चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ वेज खाने से पूरी नहीं हो सकती हैं और कई चीजें ऐसी भी हैं जो कि सिर्फ नॉन वेज खाने से पूरी नहीं हो सकती हैं। आपको हमेशा एक वेल प्लान्ड मिक्स डाइट लेनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली जान है तो जहान है। प्लस नॉन वेज ईटर्स के लिए एक सलाह है कि वो रेड मीट से जितना हो सके उतना दूर रहे। अब अगर आपके एथिक्स और मॉरल्स आपको अनुमति नहीं देते कि आप नॉनवेज खाओ, तो अनफॉर्चुनेटली आपके पास सप्लीमेंट्स के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, क्योंकि प्लांट्स आपको नेचुरली विटामिन B12, DHA, क्रिएटिन जैसे और भी कई सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं दे सकते हैं। तो स्मार्ट बनिए और आपके शरीर को क्या चाहिए उस रिक्वायरमेंट को पूरा कीजिए। अब अगर आपको जानना है कि कैसे आप साइंटिफिकली आपके शरीर के फैट को रिड्यूस कर सकते हैं, तो आप इस वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ये वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।